हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये मैं पार्ट टू ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ, और जहाँ से मैंने एंड किया था पहले वाले पार्ट वन को, मैं वहीं से इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेड मैंने बिछा करके उसके बाद ना यहाँ पे जो भी कपड़े मैंने ले करके आई थी ना, वो जो भी कपड़े अच्छे थे, धोए हुए थे, वो सबको समेट के और मैं रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए रियांश और दिव्यांशी दोनों खेल रहे थे, तो मैं रियांश को ढूंढ रही थी और ये अंदर में छुप के बैठा हुआ था, तो पता नहीं चल रहा था। तो वहाँ गई तो मैं देखने के लिए, तो वो बोला कि मुझे खिलौना बना दो। तो उसके खिलौने के कुछ कुछ हैंडल वगैरह निकाल दिया था, तो वो मैं लगाने में लग गई। और ये जितनी भी जो बोरी थी ना, तो मैंने बताया था वो मैं घर से लेके आई हूँ, और उसमें ढेर सारा सामान है, तो मैं उठा नहीं पा रही थी। तो मैं उसे ना दोनों तरफ से पकड़ के और खींच के लेके आई हूँ, और उसमें से सारी सब्जियाँ, दाल, चावल जो भी है वो सब निकालूंगी। और ये सब ना मैंने कुछ भी ख़रीदा नहीं है। चावल भी हमारे घर का ही है और सब्जी भी हमारे घर का है। दाल हम लोगों को मिला है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ भी चीज़ें ख़रीदा नहीं है, सारी कुछ घर से लेके आई हूँ। तो जब भी हम लोग जाते हैं ना, तो जितनी भी सब्जियाँ वगैरह है सारी चीज़ घर से लेके आते हैं, और फिर हम लोग का जब ख़त्म होता है तो फिर से मंगवा लेते हैं। तो हम लोग ख़रीदते नहीं हैं ये सब। आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो इन खेती में से ही ये सारी चीज़ें निकली हुई हैं। तो ये सब हमारे घर के खेत से ही निकले हुए हैं, एकदम ही ताज़ा ताज़ा और फ्रेश फ्रेश है सब कुछ। तो मेरे कुछ फ्रिज में एक दो दिन के लिए मैं गई थी ना, तो फ्रिज ऑन ही था, मैंने बंद नहीं किया था। और कुछ सब्ज़ी भी था ही, टमाटर ये, तो वो सब भी मैंने निकाल के और उसे साफ़ करके फिर जितनी भी सब्जियाँ हैं वो सारे मैं अरेंज करके रख दे रही हूँ, ताकि मुझे निकाल के बनाने में आसान हो जाए। और यहाँ पर ना साग वगैरह भी थी, तो साग सबको मैं बाहर ही रखूँगी, अच्छे से रख दूँगी। और यहाँ पे ना रियान साइकिल चला रहा है, तो मैं टोकरी वगैरह ला ला के और सब चीज़ें रख के, और जितनी भी डंठल वगैरह है ना, तो उसको मैं काट के निकाल दे रही थी, ताकि मुझे जगह मिले रखने को, नहीं तो फिर नई जगह होता है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ थी। तो कुछ सब्जियाँ मैं उसके अंदर ही रखूँगी और कुछ बाहर ही रखूँगी, जैसे लौकी है, और साथ में ना एक मकई था जो कि रियांस के लिए था, तो वो मैं फिर पका के दे देती हूँ। और इतनी सारी केले हैं, और वो भी घर के ही हैं, एकदम से घर के। और ये दाल है, तो मुझे थोड़ा सा ना इसमें छिलका ना ज़्यादा नज़र आ रहा था, तो मैं सोची कि डालने से पहले छिलका को निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर ना सवेरे सवेरे मुझे लेट हो जाएगा डालने में, हमेशा निकाल निकाल के छिलके। तो इसी वजह से मैं जो काम अभी हो सकता है ना, वो सारा मैं कर लेती हूँ, ताकि सवेरे ना दिक्कत नहीं हो, सवेरे जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। तो इतने सारे काम करने के बाद ना, मतलब जितनी अरेंजमेंट है वो मेरी हो चुकी है, अब थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी हूँ मैं। तो अभी रियांश थोड़ा सा परेशान हो गया था, तो मैं उसे यहाँ पे झूला झूला रही हूँ, और थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट मिल जाता है। तो जितनी भी वीमेंस है ना, तो बच्चे के बहाने थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हैं, और हमने भी इसी तरह का रेस्ट कर लिया और बच्चे को भी देख लिया। तो मैं यहाँ पे इसे बिठा करके, और ये बोला मुझे झूला झूला दो, तो मैं इसे झूला झूला दे रही हूँ और टीवी भी देख रही हूँ साथ ही साथ में। तो उसके बाद मैं अभी यहाँ पे केला है ना कट कर ली थी, तो मैं अभी केला का भुंजिया बनाऊंगी। और इनके पापा अभी तक घर नहीं आए हुए हैं, मैं खाना वाना बनाने के बाद बहुत देर तक वेट करती हूँ, और ये आते हैं 8:30 बजे रात में। तो ये काम करने के लिए चले गए थे, और इसलिए इतना लेट से आए हैं, और मैं तब तक खाना सारा रेडी करके और वेट कर रही थी उनका। तो अभी तो हम लोग बाहर से आए हैं और थोड़े थके हैं, सफ़र करके आए हैं, तो मैं इजी इजी वाला ही खाना बनाऊंगी, ज़्यादा कोई ये नहीं बनाऊंगी जिससे मुझे दिक्कत हो, क्योंकि इतना सारा काम करके थक भी गई हूँ। तो मैं यहाँ पे ना केले की भुंजिया डाल दी हूँ, और इसके बाद ना यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स मैं कट करूँगी, जिसको मैं अभी बिरयानी बनाऊँगी। तो मुझे आसान लगा कि मैं बिरयानी और केले की भुंजिया मैंने काट दिया था, क्योंकि इनके पापा को ना केले की भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है, सूखी वाली, जिसमें कि कुछ भी नहीं डालते हैं, और इसी तरह से सिर्फ सरसों का डाल करके, सरसों डाल कर, राई डाल करके और मिर्चा डाल के छौंका लगा देते हैं, और
बन जाता है, रेडी हो जाता है। और यहाँ पे मैं जितनी भी बीन वगैरह काट के, गोभी ये सब काट के, तो वेज बिरयानी यहाँ पे मैंने बना दिया है, तो वही अभी मैं बना रही हूँ और यही हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पे रियांश रोने लगा था कि गोदी ले लो मम्मा, तो मैं उसे यहाँ पे बिठा के काम कर रही हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितनी भी मम्मा होगी ना, वो सारे ऐसे ही करती होंगी। काम करना है समय पे, सबको खाना भी समय पे देना है क्योंकि बच्चे सो जाएंगे, तो इसी तरह से बच्चों को रख के काम करती है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पहले जब दिव्यांशी छोटी थी ना, तो दिव्यांशी को भी यहाँ बिठा करके काम करती थी और रियांश को भी बिठा दी हूँ। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही डेंजरस है, पर हम जितनी भी मॉम है ना, इंडियन वीमेंस है ना, ये इतनी रिक्स उठाती हैं, अपने आप में भी रिक्स उठाती हैं, बच्चों को भी लेके उठाती हैं। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा नहीं करें। मुझे थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है क्योंकि मैं सिंगल फैमिली में हूँ अभी, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है। लेकिन जिनके पास है वो ऐसा नहीं करे। तो यहाँ पे ना रियांश लोग खेल रहे थे, उसके बाद ना मैंने आते ही कपड़े डाल दिया था ना, जितना तो धुल चुका है, तो मैं बाहर आ गई हूँ और इनके पापा अभी आ चुके हैं, इतने समय में आ गए थे, तो मैं यहाँ पे कपड़ा डाल दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। अभी मैंने खाना रेडी कर लिया है, इनके पापा भी आ गए हैं और मैं बाहर में आ कर के, जो हम लोग की बालकोनी जैसी है ना बाहर में, जहाँ पे गाड़ी रहती है, तो वहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ। और दिव्यांशी भी मेरे साथ में आई है, वो बोली कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। हालाँकि ये करी चाहे नहीं करे, लेकिन बच्चे इतना बोल देते हैं वही बहुत ज़्यादा है। और ये यहाँ पे खुद बदमाशी कर रही थी। और इसी तरह से यहाँ पे मैं सारे कपड़े डालूंगी और इधर ना सारे लॉक वॉक करके चली जाऊंगी, फिर उसके बाद खाना वगैरह खा करके आराम करूंगी, रेस्ट करूंगी क्योंकि सब लोग थके हैं। और मॉर्निंग में क्लास भी है, मतलब दिव्यांशी के भी क्लास है और इनके पापा को भी जाना है, तो यहाँ पे मैं लॉक कर दे रही हूँ। हम लोग रोज़ यहाँ पर लॉक कर देते हैं और सुबह मॉर्निंग में इसको खोलेंगे, इस गेट को। तो मैं यहाँ पर लॉक करके चली गई हूँ और अभी यहाँ के अंदर में डोर है, उस डोर को लॉक कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो मैं खाना में देखिए क्या बनाई हूँ, ये वाली केले की भुंजिया बनाई हूँ और ये है बिरयानी जो कि सब लोग खा रहे हैं। और यहीं तक थी आज की मेरी ब्लॉग। आप सभी को कैसी लगी मेरी ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल